Hey guys, welcome back to the vlog. Today is day 2 और आज हम लोग जाने वाले हैं चंगू लेक और बाबा हरभजन मंदिर, जिसका परमिट अभी तक श्योर नहीं हुआ. हमारे ट्रांसपोर्ट कोऑर्डिनेटर ने हमें कंफर्म नहीं किया है कि हमें परमिट मिला है या नहीं. सो अभी देखते हैं हम लोग वहाँ जाने वाले हैं या फिर कहीं और जाएंगे. सो वी आर ऑल रेडी, ब्रेकफास्ट भी हो गया हमारा, लेट्स गो. मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं आपको व्यू दिखाऊंगा बालकनी से, एंड इट्स अमेजिंग. हैव अ लुक. स्काई लुक्स ग्रेट और ये सब क्लाउड्स हैं, मतलब ओ हो. सो गाइस, परमिट हमें मिल चुका है जाने के लिए चंगू लेक और हरभजन मंदिर. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ हरभजन मंदिर जाने के लिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टोरीज पढ़े हैं उस मंदिर के बारे में, एंड भुवन बाम की एक शॉर्ट मूवी भी आई थी. सो वी आर वेरी एक्साइटेड. ये जो चंगू लेक हम लोग जाने वाले हैं, ये है 12,400 फीट पे लेक, और वी जस्ट गॉट द टिकट्स. सो ये टिकट्स यहाँ पे लिखा है, देखो 12,000 में फोकस नहीं हो रहा ठीक से, 12,400 फीट. हमारे ड्राइवर ने कहा कि ऐसा होता है, मतलब लेक जब फ्रोजन हो जाता है तो ऐसा दिखता है. अभी भी थोड़ा थोड़ा ऐसा दिखेगा, बट लेट्स सी कैसा दिखता है. एक्साइटेड. वो जो ब्रिज है भैया, वो लकड़ी का है, आला फिर दोनों. वाह मस्त. फटक 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 करेगा. वी आर अबाउट टू क्रॉस अ ब्रिज, लकड़ी का ब्रिज. आगे एक और ब्रिज है. वी जस्ट स्टॉप्ड हियर. आगे ट्रैफिक रहा है बहुत ज़्यादा, तो यहाँ रुके हम. और ये व्यू, मतलब दिस इज सुपर, ये जन्नत है. कुछ तो हुआ है वहाँ पर, वो ट्रक जाकर वहाँ अटक गया, अभी वो वापस नहीं आ रहा, उसकी वजह से कितना सारा ट्रैफिक. आह, फिर से आज लेट हो रहे हैं हम लोग. अभी हम लोग कितना फीट ऊपर आ गए हैं? अभी 12,000. एक तो रोपे है ना, हाँ हाँ, उस पर चढ़ेंगे तो 14,500 फीट जाएगा ऊपर. अरे वाह, बड़ा ऊपर, बहुत बढ़िया. रोपे पे कब चढ़ सकते हैं हम लोग? छंगो लेक में है ना. अच्छा, आने के टाइम में भी जा सकते हैं. ओके ओके ग्रेट. और राइट, तो अभी हम लोग यहाँ पर आए हैं. यहाँ पर एक छोटी सी शॉप है, वो हमारे ड्राइवर के कज़न सिस्टर की है. तो हम लोग यहाँ पर मैगी खाने आए हैं और कॉफ़ी वॉफ़ी पीने के लिए आए हैं. बहुत ठंड है यार यहाँ पे. प्लेस इज़ अमेजिंग यार. ऑलराइट गाइस, सो हम लोग फाइनली यहाँ पे चंगू लेक आ चुके हैं. यहाँ पीछे हमारे चंगू लेक है, और यहाँ पे याक राइडिंग भी होती है. बहुत सारे खूबसूरत खूबसूरत याक हैं, बट हमें नहीं करना वो. ये रहे, यहाँ पे बहुत सारे याक्स हैं, एंड हमें यहाँ से पूरा जाना है वहाँ तक, चल चल के. वहाँ पे हम लोग याक से भी जा सकते हैं, बट हम लोग प्रिफर कर रहे हैं चल के जाना, क्योंकि ज़्यादा मज़ा आएगा. एंड ठंड है यार यहाँ पे, हमने एक एक ये खरीदा क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है.
आई थिंक हम लोगों को ग्लव्स भी ले लेना चाहिए था है ना भैया। सभी टूरिस्ट को सूचित किया जाता है कि चांगू लेक के अंदर जाना घोर अपराध है। माय गॉड, अपराध करने के लिए ही तो हम जन्म लिए हैं। ऑलराइट, तो क्विक चेंज इन जैकेट भैया ने मेरे से एक्सचेंज कर लिया क्योंकि मेरे जैकेट पे उनका फ़ोटो अच्छा आ रहा था। सो अब हम लोग जा रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारा फ़ोटोज़ ले चुके हैं हम लोग, बहुत टाइम वेस्ट कर चुके हैं एक्चुअली। तो अब हम लोग वापस जा रहे हैं, अब हम यहाँ से डायरेक्ट जाने वाले हैं बाबा हरभजन मंदिर। सो देखते हैं वहाँ पे क्या क्या व्यू पॉइंट मिलता है हम लोगों को, एंड बहुत ठंड लग रही है। यस, वी आर रेडी फॉर डैट। से चाइना बॉर्डर स्टार्ट होता है। कूल, डोकलाम भी यहीं पर है ना भैया? अच्छा, तो इसके ऊपर आगे जाने पर ओके। We just made it over here to Harbhajan Baba Mandir and this is the entrance and this is the mandir. यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा security है। वहाँ दूर हम मुझे एक शिव जी का मंदिर दिख रहा है और वहाँ साइड में वाटरफॉल भी है, दैट इज ब्यूटिफुल। चलिए अंदर देखते हैं क्या क्या मिलता है। यहाँ पे एक स्टैचू है, ये लेट जनरल सगत सिंह का है। पद्मभूषण, अच्छा हाँ, पद्मभूषण परम विशिष्ट सेवा मेडल, आयरन मैन ऑफ नतुला यहाँ पर है। ये हैं बाबा हरभजन सिंह साहब, व्यू तो यहाँ से बहुत ही बेहतरीन है, बहुत अच्छा है। अंदर आई डोंट नो अलाउड है या नहीं कैमरा, बट शायद नहीं है, इसलिए सब लोग बाहर से ले रहे थे। बट कुछ लोग मैं अंदर देख सकता हूँ, कुछ लोग वहाँ पर हैं, एक दो जो बहुत बड़े बड़े कैमराज लेके अंदर जा चुके हैं, तो आई गेस मैं भी जा सकता हूँ। यस, आई कैन ऑल्सो गो। तो मैं अंदर जाकर आप लोगों को बढ़िया से दिखाता हूँ वीडियो। सो ये बेसिकली उनका यहाँ पर एक स्टैचू टाइप का बनाया गया है, यहाँ पे लोग फूल वूल चढ़ाते हैं। so, ये उनका ऑफिस है, यहाँ पे सारे बुक्स वगैरह भी रखे हुए हैं। ये उनका लिविंग रूम है जहाँ पर वो बैठते थे। उनके कपड़े वगैरह हैं जो हर अभी भी हमेशा प्रेस किए जाते हैं, जूते वगैरह में पॉलिश होता है, ये सब कुछ अच्छे से अभी भी होता है उनके लिए, उनकी ज़रूरत की सारी चीज़ें यहाँ पर रखी जाती हैं। दिस इज़ सो ग्रेट। अभी उस तरफ और एक चीज़ है जहाँ पर स्पिरिचुअल वाटर है और एक स्टोर रूम है, तो हम उसको भी देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे न्यूज़ चैनल वाले आए हुए हैं, जैसे ये न्यूज़ 18 वाले हैं, तो ये लोग ही कैमरा वैमरा लेकर बहुत टाइप्स में थे। यहाँ पर ये एक स्पिरिचुअल वाटर है जहाँ पे एंट्री अलाउड नहीं है, किसी में भी इनफैक्ट एंट्री अलाउड नहीं है। तो क्विक अपडेट, वो जो स्पिरिचुअल वाटर मैंने वहाँ पर आप लोगों को दिखाया, तो क्या होता है कि यहाँ पर पानी की बोतल चढ़ाते हैं हरभजन बाबा के मंदिर में, और वहाँ पे चढ़ाने के बाद कुछ दिन बाद वो बॉटल आप घर ले जा सकते हो, पानी की बॉटल। और वो पानी की बॉटल अगर कोई बीमार व्यक्ति पीता है 21 दिन तक लगातार, तो वो स्वस्थ हो जाता है ऐसा कहना है। एंड उस दौरान, उस 21 दिन के दौरान, उस घर के किसी भी व्यक्ति को नॉनवेज नहीं खाना होता है और मदिरा का सेवन नहीं करना होता है। यहाँ पे जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, यहाँ पे बहुत सारे आर्मी के लोग हैं एंड बहुत सारा सिक्योरिटी है, तो वो शायद इसलिए था क्योंकि आज बहुत सारे न्यूज़ चैनल वाले यहाँ पर आए हुए थे और उन लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी थी कि क्या क्या होता है, कैसा है, क्या सीन है। तो अभी न्यूज़ चैनल वाले भी जा चुके हैं और जितने भी आर्मी के लोग थे वो लोग भी जा चुके हैं। तो अभी ये
काफी खाली हो चुका है। ये इंडियन फ्लैग जो है ये देखिए, ये चारों ओर एक पहाड़ है और इस पूरे पहाड़ के बीच में ये इंडियन फ्लैग लगा है और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है ये, मतलब पूरा प्राउड फील हो रहा है इसको देख कर। इतना मतलब ये छोटा दिख रहा है वीडियो में लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। सो हम लोग बाबा हरभजन सिंह मंदिर घूम चुके हैं और अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ जो सामने एक शिव जी का टेम्पल टाइप का दिख रहा है, वहाँ पर एक काफ़ी अच्छी मूर्ति है, तो हम लोग सोच रहे हैं वहाँ चले जाएँ। थोड़ा थोड़ा चल के तो ऊपर चढ़ के जाना पड़ेगा, मम्मी पापा को हल्का प्रॉब्लम हो सकता है बट उन्होंने कहा हम कर दिखाएंगे, तो लेट्स गो। और क्या ऑलराइट, तो हम लोगों का शिव टेंपल ढूंढना भी हो गया। टेंपल को नहीं, एक ऐसी स्टैचू लगा रखा है, काफ़ी बड़ा सा है और बहुत ही सुंदर, उसके साइड में बहुत सुंदर वाटरफॉल है, तो हम लोगों ने वो भी देख लिया और बहुत सारे फ़ोटोज़ भी क्लिक कर लिए। और अब हम लोग नीचे जा रहे हैं, यहाँ से हम लोगों का प्लान है कि अगर हम लोग जल्दी पहुँच जाते हैं तो हम लोग वहाँ जाएंगे हनुमान टोक और एक कोई टोक है याद नहीं नाम, मैं आपको अपडेट करूँगा अगर हम लोग जा रहे होंगे तो अगर हम लोग जल्दी पहुँच जाते हैं तो हम लोग हनुमान टोक और एक कोई टोक है वहाँ जाने वाले हैं, तो और अगर लेट हो गया तो हम लोग डायरेक्ट फिर होटल जाएंगे और जाके सो जाएंगे। सो वाइल कमिंग डाउन वी जस्ट स्टॉप हियर फॉर मैगी, ये वही जगह है जहाँ सुबह हम रुके थे और कॉफ़ी पिए थे, तो हमारे ड्राइवर ने कहा कि ये मैगी बहुत अच्छा बनाती हैं, तो हम लोग बोले ठीक है चलिए हम लोग मैगी खा लेते हैं। ऑलराइट, सो वी आर डन विथ आवर मैगी सेशन, काइंड ऑफ लंच कह सकते हैं, तो मैंने तो दो प्लेट खाया, मैगी बहुत ही अच्छा बनाया था। सो अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ से डायरेक्ट, हम लोग जो वो हनुमान टोक जाने वाले थे वहाँ अब नहीं जाने वाले हैं क्योंकि हमारे ड्राइवर ने कहा कि हम कल जाएंगे वहाँ पे, कि वो आज के आइटिनरी भी नहीं है कल के है, तो हम लोग कल ही जाएंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ से डायरेक्ट वापस होटल जा रहे हैं एंड इट्स 3 PM एंड आई गेस हम लोग 4:30 तक पहुँच जाने चाहिए, 4:30 या 4:45 तक पहुँच जाने चाहिए। सो आई विल सी यू गाइज वंस आई रीच माई होटल, थैंक यू सो मच, बाय बाय। तो हम लोग रास्ते में यहाँ पर रुके हैं, वो रुकने का एक रीज़न जो है बहुत ही ज़्यादा फनी है क्योंकि हमारे ड्राइवर को यहाँ से मशरूम तोड़ना है। लेट्स शो यू, ये हमारे ड्राइवर हैं, ये कहाँ जा रहा है, अरे कहाँ घुस गए आप, आसमान की ऊंचाइयों में कोहरा ही कोहरा है एंड ही इज़ बैक। आराम से आराम से आराम से, दिखाई दिखाई क्या लिया आपने, ये है मशरूम, अरे वाह है अभी। ऑलराइट गाइस, सो वी जस्ट मेड इट ओवर हियर टू आवर होटल एंड अभी मैं बाहर निकला हूँ ब्लॉग एंड करने के लिए, और आज का दिन काफ़ी अच्छा था और सबसे बेस्ट पार्ट ये थी कि जब हम लोग वहाँ पे घूमे ना तब तक मौसम बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा स्काई, पूरे ब्लू, बिल्कुल बारिश नहीं, बीच बीच में धूप भी आ रही थी, तो वो काफ़ी अच्छा था। लेकिन जैसे ही हम लोग वहाँ से वापस आ रहे थे तो बारिश वगैरह शुरू हो गई थी और फिर बादल भी आ गए थे, सिर्फ क्लाउड्स ही क्लाउड्स दिख रहे थे रास्ते में। ये है हमारा रूम, ये वाला। तो कल का हमारा ये प्लान है कि कल हम लोग बहुत अलग अलग जगह पे जाने वाले हैं, एक मॉनेस्ट्री, इंटरनेशनल मॉनेस्ट्री, रूमटेक मॉनेस्ट्री नाम है आई गेस, मेरे को प्रोनंसिएशन ठीक से पता नहीं है बट मैंने वो फोटोग्राफ्स देखे हैं गूगल पे, बहुत ही खूबसूरत है मॉनेस्ट्री, तो हम लोग कल वहाँ जाने वाले हैं, होपफुली बहुत अच्छे फोटोग्राफ्स आएंगे, बस मौसम अच्छा रहे क्योंकि यहाँ पे बारिश कभी भी हो जाती है यार, अगर मौसम अच्छा रहा तो होपफुली हम लोग बहुत अच्छे वीडियोज़ बनाएंगे और फोटोग्राफ्स भी हमें अच्छी अच्छी मिल जाएंगी। आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे चेक कर सकते हो, इंस्टाग्राम का हैंडल यहाँ पे है, तो वहाँ पे चेक कर सकते हो मैंने कैसे कैसे फोटोग्राफ्स लिए, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आप लोग प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करके बताएं मैं और क्या अच्छी चीज़ें कर सकता हूँ, कुछ ट्रांजिशन या फिर बी रोल, अगर कुछ भी आइडियाज़ हैं आपके पास तो प्लीज़ शेयर विथ मी और मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा कि
मैं आपके एक्सपेक्टेशंस पे, एक्सपेक्टेशंस को हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे को याद नहीं, तो मैं आपके एक्सपेक्टेशंस पे खड़े उतरूँ. एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे. इफ़ यू आर न्यू देन डू सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू. बाय बाय.